तो हमने क्लास एट के स्टूडेंट का काफी अच्छा टेस्ट लिया, जिसमें फाइनल क्वेश्चन हमने दिया बहुत अच्छे लेवल का था। तो आइए इसको समझते हैं। बताइए बेटा, टोटल सीपी ऑफ 200 dozen, डजन में क्या होता है बेटा, कितनी चीजें होती हैं? 12। 2400 ऑरेंजेस का टोटल सीपी क्या होगा? उन्होंने एक डजन के लिए 10 रुपीज पे किए हरजीत सिंह जी ने, तो 2000 तो ये हो गए 200 × 10। प्लस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में भी 500 दे रहे हैं, तो वो भी तो उनकी जेब से गए। तो टोटल सीपी कितना हुआ हरजीत सिंह जी का? 2500। कितनी चीजों का? 200 dozen। डजन में क्या होता है? 12। 2400 लेकिन जब वो मार्केट में बेच रहे थे टोटल एसपी ऑफ 200 dozen, ब्रैकेट में क्या है 2400। ही सेलिंग एट द रेट ऑफ ₹1 ईच, एक संतरा 1 रुपए का ही बेच रहे हैं। वैसे कितने ऑरेंजेस है बेटा? 2400 और ₹1 का, उनका एसपी 2400 आ रहा है, जबकि उनका सीपी कितना था बताओ? उनका सीपी कितना था? 2500, और उनका एसपी कितना है? 2400। तो गेन हुआ लॉस हुआ उनको भाई साहब? लॉस हुआ। कितने रुपीस का? जब भी एसपी कम होता है सीपी ज्यादा होता है तो लॉस ही हुआ। अगर लॉस की वैल्यू पूछी होती तो 100 रुपीज का लॉस हो जाता होता है। अगर उन्होंने पूछा लॉस परसेंट, बताओ लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस, तो व्हाट इज लॉस वैल्यू? 4%। 100 4%। आंसर इज 4%। 4% लॉस। तो जो हरजीत सिंह जी वाले का आंसर था वो क्या था बेटा? 4% लॉस था।